हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग को 2 मीटर कपड़े में सिंपल सी सलवार बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 1/4 पे फोल्ड करना है। फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई हम मैंने लिया है 17 इंच, और फिर उसके बाद आसन का निशान लगाना है 16 इंच पे, और इसकी लेंथ मैंने रख लिया है 39 इंच। फिर उसके बाद बॉटम साइज पे अपने मोहरी का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है। फिर इस तरह से इस पर निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब साइड के पल्लों को भी अलग कर लेना है, कट कर लेना है। देखिए, अब ये हमारे दोनों पल्ले अलग हो चुके हैं। और इसके बाद जो हमारे जो टुकड़े बचे हुए थे साइड से जो निकले थे, अब इसकी हमें म्यानी बनाना है। तो इस तरह से डबल कपड़ा लेना है और इस तरह से फोल्ड करके इसको गोल शेप देकर जितनी लेंथ आपको रखनी है वो रख कर इसको कट कर लेना है। यह हमारी म्यानी कट चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए हमें वो एक रुमाली को लेना है और इस तरह से एक पल्ले पे स्टिच करना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी स्टिच करना है। ये देखिए, हमारा एक साइड पे स्टिच हो चुका है। अब हमें दूसरे साइड पे थोड़ा सा होल देना है और फिर स्टिच करना है। पहले 1 इंच पे सिलाई लगाना है, फिर 1 इंच छोड़ना है, फिर नीचे तक पूरा सिलाई लगा लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरह से होल हमारा बन गया है। अब उसके बाद 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेना है पूरे उसमें। ये हमारी पूरी उसमें सिलाई लग चुकी है। ये देखिए, अब हमें नीचे बॉटम साइज पे मोरी बनाने के लिए हमें बकरम लेना है और इस पर पेस्ट करना है। ब्रश की हेल्प से पेस्ट करके इस पर 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके पर सिलाई लगा लेना है। इसके बाद सिलाई लगा लेना है, अपना मोहरी तैयार करना है। इस तरह से मैंने अपनी मोहरी पर डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप लोग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी दोनों मोहरी तैयार हो गई हैं। और मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है 7.5 इंच पर ऐसे। ये देखिए, हमारी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। इतनी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।